हाय फ्रेंड्स, दी पेट फॉर योर हाउस में आपका स्वागत है। आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है, सो अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। सो हम आज कुछ बहुत जल्द ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ डॉग के रिगार्डिंग। लाइक अगर ये जो स्पेशली वीडियो बनने जा रही है जिन्होंने नई ब्रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उन पर है, या जिन्होंने नया डॉग बाय करना है, ये वीडियो उनके लिए है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, हर एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डॉग की, तो बहुत सारे फ्रेंड्स जब डॉग लेते हैं तो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हमें मेल लेना चाहिए या फीमेल लेना चाहिए। सो, मैं आपका एक ये डाउट क्लियर करने के लिए ही वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स जब मुझे कॉल करते हैं तो ये डाउट और इसको क्वेश्चनिंग हम अगर बोलें तो बहुत सारी होती है इस चीज़ पर। सो, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर देखिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। सो, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर आप मेल ले रहे हो तो उसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है कि अगर आप अपने डॉग को शो में उतारना चाहते हो, या अगर आप हम बात करें कि एक मेल की शो हो गया या उसका आप गार्डिंग के लिए लेना चाहते हो, तो आप ज़रूर मेल लीजिए, अदरवाइज फीमेल आप ले सकते हो। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप फीमेल ले रहे हो तो फीमेल की ये होता है कि आप अगर फीमेल जो है मेल के कंपैरिजन कम अग्रेसिव होती है, और दूसरी बात अगर हम बात करें जो टेम्परामेंट उसका कूल होता है एज़ कम्पेयर मेल। सो, तीसरी बात अगर हम बात करें कि जो फीमेल है, फीमेल बहुत सारे फ्रेंड इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जो फीमेल है उसको टाइप पीरियड्स के कारण जो फ्रेंड्स होते हैं मेरे, जितने भी मेरे न्यू कस्टमर है, डॉग ऑनर हैं, वो थोड़ा दिक्कत समझते हैं, ताकि उनका एक उनकी एक धारणा बन चुकी है जो फीमेल होती है वो घर में गंदगी फैलाती है। सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम जो 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। सो, जो है आजकल डॉग के डाइपर भी अवेलेबल है फीमेल के। सो प्लीज़ पहले आप वीडियो देखिए, सारी वीडियो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मैं बात करता हूँ पीरियड्स की, तो सभी में होता है, जितने भी ये कुदरत का नियम है, कोई भी फीमेल्स है, चाहे वो ह्यूमंस है चाहे जानवर है, तो उनको पीरियड आते ही आते हैं। सो, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर हमारे घर में भी कुछ ऐसा होता है, सपोज टू भी अगर सिस्टर है या कोई मदर है, तो क्या हम उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं? सो, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। तो वो भी हमारे एक घर के ही मेंबर होते हैं अगर आप फीमेल ले रहे हो, क्योंकि देखिए अगर आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि डॉग डाइपर आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पीरियड्स का टाइम है, तो उसके देखिए अगर पीरियड्स आएंगे तभी तो फीमेल माँ बनने लायक होगी। सो, इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। और जो है फीमेल का जो एक टेम्परामेंट होता है बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो उतनी ही शांत और समझदार होती रहती है एज़ कंपेरिज़न मेल। क्योंकि अगर हम बात करते हैं हीट प्रोसेस में, हीट में क्या होता है कि जब भी आपकी फीमेल हीट में आएगी तो क्या अगर आप मेटिंग नहीं कराते तो वो 2-3 दिन खाना छोड़ सकती है। इसके अलावा आपको कोई अग्रेसिव फील नहीं होगा उसको घर रखने से। और बट अगर हम मेल की बात करें तो जब वो हीट पे आता है तो उसका क्या होता है कि वो कुछ ऊट पटांग हरकतें करने लग पड़ता है, क्योंकि उसका जो टेम्परामेंट जो होता है काफ़ी जो एज़ कम्पेयर फीमेल के ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या है कि जो आपको फैमिली में अच्छा नहीं लगेगा। सो, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा माइंड सेट को चेंज कीजिए, आप फीमेल लीजिए। और दूसरी बात हम बात करते हैं कि जैसे एक हम बात करते हैं कि जो डॉग है, जो मेल डॉग होता है, उसका जो टेम्परामेंट इसलिए हाई होता है क्योंकि अगर हम देखें जैसे कोई भी आप स्ट्रीट डॉग की बात करते हो, स्ट्रीट में डॉग आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीट डॉग है वो आपस में लड़ते रहते हैं। उसका एक ही रीज़न होता है कि कोई भी जो मेल डॉग है वो अपना एक लगा लो एक एरिए में अपना एक राज करना चाहता है, ठीक है जी। जैसे अगर हम कुछ और एनिमल्स की बात करें, जो लायंस वगैरह हो गए, वो भी जंगलों में इसी कारण लड़ाई करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो एक एरिए के राजा बनना चाहते हैं उस जंगल का। सो दैट्स वाई ये एक नेचुरल है। और दूसरी बात हम बात करते हैं कि जब जो मेल डॉग है उसका जो है टेम्परामेंट इसीलिए भी हाई होता है, वो नेचुरल होता है। रीज़न क्या है कि वो अगर आपके फैमिली में रह रहा है
तो बहुत मेरे फ्रेंड हैं जो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो अग्रेसिव नेचर का हो जाते हैं और इवन वो कई बार अपने घर वालों को भी पढ़ने लग पड़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम अगर बात करें कि आपको फैमिली डॉग ही लेना चाहिए, आप गार्ड डॉग भी ले सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लाइक रॉटवीलर हो गया, अमेरिकन बुली हो गया, आप ये सभी ब्रीडें रख सकते हो। ये आपको बस प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप अगर मेल डॉग ले रहे हो तो आपको एक ट्रेनिंग ज़रूर करवानी चाहिए उस डॉग की, एंड अगर आप फीमेल ले रहे हो ट्रेनिंग तो आपको चलो हर एक की करवानी चाहिए। बट फीमेल का क्या है कि वो जैसी एज बढ़ेगी वो थोड़ी समझदार हो जाएगी और उसका जो है टेम्परामेंट कम होता है। मेल का जो अगर हम बात करें बॉडी स्ट्रक्चर, तो नेचुरल सी बात है मेल का जो अगर हम वेट की बात करें, हाइट की बात करें, तो फीमेल से ज़्यादा होती है। बट अगर हम फीमेल की बात करें तो है तो एक ही ट्रेड की है ना। अगर आप जर्मन शेफर्ड की फ़ीमेल ले रहे हो, इट्स मीन्स क्या है कि वो काम तो वो सेम ही करेंगे ना। अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड है या रॉटविलर है फीमेल, तो गार्डिंग तो वो दोनों करेंगी। ये तो है नहीं कि मेल अकेला ही करता है, फीमेल नहीं करता है, फीमेल भी उतनी ही गार्डिंग करती है फ्रेंड्स। सो एक ये धारणा को चेंज कीजिए। और दूसरी बात हम बात करते हैं कि अगर सपोज टू भी अगर आप फ्यूचर में, बहुत सारे फ्रेंड हैं जो पहले अगर शौक के लिए फ़ीमेल रखते हैं, ठीक है जी, अगर उनका धीरे धीरे प्यार बढ़ता है और ब्रीडिंग के लिए इंटरेस्ट बनता है, तो आप क्या है कि उसकी ब्रीडिंग भी करवा सकते हो। सो ये भी आपके लिए एक एडवांटेज है। और उसके बाद हम बात करते करवा सकते हो ना ही आप उसको आगे उसकी ब्रीडिंग कर सकते हो। सो फ्रेंड मेरी रिक्वेस्ट है, जिससे भी लीजिए एक अच्छी ब्रीड लीजिए, प्योर ब्रीड लीजिए, क्वालिटी अच्छी लीजिए और एक जेन्युइन ब्रीडर से चीज़ लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आप डॉग लेना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर जो है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 7 शाम के 7 बजे तक जो है हम अवेलेबल रहता है। आप इस समय के बीच में कभी भी हमें कॉल कर सकते हो। अगर आप कोई भी डॉग के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो या आप डॉग बाई करना चाहते हो, तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, आपको एक प्योर ब्रीड अच्छी क्वालिटी की दी जाएगी। और हमारा अजीब मोटिव होता है कि आपको एक जेन्युइन ब्रीडर्स को प्रमोट करना। जैसे कि अब मैंने हर बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि हम आने वाले टाइम में और ज़्यादा जो है कैनल्स वगैरह आपको जो जेन्युइन कैनल्स है वो दिखाएंगे। सो जो कि आपकी एक प्राइस रेंज बजट में हो और आपको एक अच्छी क्वालिटी दी जाए। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप ही है मेरा, जिनके साथ मेरी डेली बात भी होती रहती है, और कईयों ने मेरे से डॉग भी लिया है। और आप पूछ सकते हो कि हमारी क्वालिटी एकदम हम मेंटेन करके रख रहे हैं। सो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितना भी हो सके हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें, एक जेन्युइन प्राइस में ही आपको चीज़ मिले। सो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी फ्रेंड्स डॉग लेना चाहते हैं तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आपके जो नियर बाय कोई जेन्युइन ब्रीडर है आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो अगर ये वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स मेरे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक अपना ज़रूर कमेंट दीजिए ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आई है, कैसे है, कुछ भी आप अपना रिप्लाई दे सकते हो वीडियो पे। एंड प्लीज़ एक वैल्यूएबल कमेंट करना जो भी है, ताकि बहुत सारी लेडीज़ भी हमारी वीडियोज़ को देखती हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप अच्छे कमेंट कीजिए। अगर बोलना भी है तो अगर कोई वीडियो नहीं पसंद आई तो भी एक अच्छे तरीके से आप हमें बता सकते हो, मुझे कॉल करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम आगे से आगे और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे अपनी वीडियोज़ को। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।